राबड़ी आवास के भीतर संगठन मजबूत करने पर चर्चा हो रही थी और राबड़ी देवी के आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ता नए नेतृत्व पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। चुनावी साल में कार्यकर्ताओं की यह नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। ये राष्ट्रीय जनता दल की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में नए अध्यक्ष नए नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तस्वीर में पुराने नेता नए तेवर में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें तब की हैं जब राबड़ी आवास के भीतर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मीटिंग कर रहे थे। बगल में बैठे थे तेजस्वी यादव, सामने नए चुने गए कार्यकारिणी के सदस्य। चुनाव जीतने की रणनीति पर गुणा गणित हो रहा था लेकिन आरजेडी का असली तेवर तो राबड़ी आवास के बाहर नजर आ रहा था। कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और पार्टी की नई लीडरशिप पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। मैं आरजेडी के 30 बरस से इस दल में निष्ठा पूर्वक से हूँ। कोई भी पुराने लीडर बोल दीजिए, मैं निष्ठा पूर्वक से हूँ। आज मुझे प्रदेश कमेटी में नहीं बुलाया गया और नहीं निकाला, इसका क्या मतलब? ये नए संगठन में हम लोग शुरू से हैं, हर जगह अपना पैसा खर्चा करके जहाँ कभी भी हो चंदेश्वर भाई बोलते हैं हम लोग हाजिर हो जाते हैं। कई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे पार्टी गठन से लेकर अब तक काम कर रहे हैं लेकिन नई कार्यकारिणी में उनकी उपेक्षा की गई। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात पर भी थी कि पार्टी पदाधिकारियों का चुनाव पार्टी ने उनकी मर्जी के बगैर किया, ना उनसे बात की और ना ही विचार किया। अब डैमेज कंट्रोल की कवायद हो रही है। हालांकि विरोधियों का आरोप है कि पुराने नेता नए नेतृत्व में असहज है। जिन्हें जगह मिली है वही राजद नहीं है। राजद लाखों लोगों की जमात है, करोड़ों लोगों के मतदाताओं और शुभचिंतकों का नेतृत्व राजद करता है लेकिन हर चीज की एक सीमा है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, जिन लोगों ने जहां जितना काम किया है उनके आधार पर उसका जो है कि मिला है और उस तरह का से अभी नई कमेटी बनी है, फिर आगे की जो कमेटी है उस पर कमेटी विचार करेगी। जो लोग बचे छुचे लोग हैं उनको जो है कि स्थान दिया जाएगा। आरजेडी जिस प्रकार के राजनीतिक संचालन में लगी हुई है, जिलों की बैठक, प्रकोष्ठों की बैठक, जन यात्राएं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और LJP पूरे 5 साल इस तरह की कवायद का हिस्सा रही है। हमने जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर कमेटियां बना दी है। बिहार विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, साथ ही इसका जनाधार और संगठन भी मजबूत माना जाता है लेकिन लालू प्रसाद के जेल में होने और नेतृत्व नया होने की वजह से पुराने और अनुभवी कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है। आशुतोष चंद्रा, Zee Media, पटना।